हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। मनोज हेल्थ एंड लाइफ चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं कद्दू की मीठी स्वीट पूरी की रेसिपी। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। और एक बार बनाइए, 8 दिन खाइए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। देखिए दिखने में कितनी करारी दिख रही है और खाने में भी उतनी ही खस्ता बनी है। और सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से ये खस्ता पूरी बन जाती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक का बटन भी प्लीज़ दबा दीजिएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है, देखिए 1/2 किलो कद्दू लिया है। इसके मैंने छिलके निकाल कर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम ये डाल देंगे एक पैन में। यह 1/2 कटोरी कद्दू है, इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी जैगरी यानी गुड़। आप गुड़ की जगह पर 1 कटोरी शक्कर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट शक्कर की जगह पर गुड़ आप यूज़ करें तो ये हेल्दी भी बनती है और खाने में थोड़ी टेस्ट अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और ये कद्दू और गुड़ हम अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर पानी थोड़ा कम डालना है क्योंकि हमारे गुड़ को पानी छूटेगा तो गुड़ के पानी में ही हमारा कद्दू पक कर रेडी हो जाएगा। देखिए कद्दू पक कर रेडी हो गया है, देखिए कितना सॉफ्ट पका है ये कद्दू। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर कद्दू थोड़ी देर के लिए ठंडा हो चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए अब हम ये कद्दू और गुड़ डाल देंगे मिक्सी जार में और पीस लेंगे। आप ये पका हुआ कद्दू जो है हाथ मतलब चम्मच से भी स्मैश कर सकते हैं, बट मैं मिक्सी जार में पीस रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से स्मैश हो सके, एक सार हो सके। तो ये पीसते वक्त आपको इसमें पानी नहीं डालना है। तो देखिए इसका रेडी हो चुका है हमारा कद्दू। तो इसे हम अब हम एक निकाल लेंगे प्लेट में। तो यहाँ पर हम डालेंगे हमारी बाकी की सारी इंग्रेडिएंट्स। बाकी की इंग्रेडिएंट्स भी घर में जो अवेलेबल होती है वही है। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी चावल का आटा, 1/2 कटोरी गेहूँ का आटा जो हमारे घर में अवेलेबल होता ही है, 3 छोटे चम्मच सूजी रवा और थोड़ा सा हम चुटकी भर नमक डाल देंगे। नमक से हमारी पूरी को अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो कोई भी स्वीट आप रेसिपी बनाते हैं तो थोड़ा सा नमक आप इस ज़रूर ऐड करें, उससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिला लेंगे, एक आटा गूंद लेंगे। और यहाँ पे आटा गूंदते वक्त अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और एक आटा गूंद लें। और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन होती है वो भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो देखिए इस तरह से आटा गूंद के रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे हमारी पूरी। तो हाथों को लगा देंगे थोड़ा सा तेल और थप थपा कर हाथों पर ही ये स्वीट पूरी हमें तैयार करना है। देखिए इस तरह से छोटा सा गोला लेंगे और आपको ये पूरी हाथों पर थप थप आकर नहीं जम रही है तो आप बेलन की सहायता से भी ये पूरी तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पूरी हम सभी तैयार कर लेंगे। तो देखिए सभी पूरी, देखिए इस तरह से तैयार कर लेना है। एक दूसरी भी मैं बनाकर दिखा रही हूँ।
तो देखिए इस तरह से सभी पूरियाँ मैंने रेडी कर ली है और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है कढ़ाई में। आप ये स्वीट पूरी जो है तेल में या घी में भी तल कर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरियाँ अब हम तल कर रेडी कर लेंगे। दोनों साइड से पलटकर पूरियां तल लेना है और ये पूरियां तलते वक्त गैस की फ्लेम मीडियम रखना है और हल्के हाथों से ही इसे पलटना है क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो ये जो पूरी है टूटने का डर रहता है तो थोड़े से हल्के हाथों से ही आप इसे पलटना। तो देखिए हमारी पूरियाँ जो है तल कर रेडी हो चुकी है, ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो देखिए अब हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सभी पूरियाँ हम तल लेंगे। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। और ये पूरी जो है गर्म होती है तब थोड़ी सी नरम होती है, बट ठंडी होने के बाद ये कड़क आ जाती है, तभी आपको ये डब्बे में भरकर रखना है जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए। तो देखिए हमारी पूरियाँ तलकर रेडी हो चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। देखिए कितनी खस्ता बनी है और कलर भी कितना अच्छा आया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल मनुज हेल्थ एंड लाइफ। और आप ये कद्दू की मीठी स्वीट पूरी ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।